हेलो फ्रेंड्स, पूजा आर्ट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए फिर से एक ब्यूटीफुल क्रोशेट मोटिफ लेके आई हूँ। कप पोस्टर बोल सकते हैं आप इसको। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाने के लिए हमने 2 चेन लेंगे। इसमें हमने हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। हाफ डबल क्रोशेट ध्यान से देखते रहना। ऐसे हमने 3 का 1 कर देना है। ऐसे धागा आगे निकालते 3 का 1। इसको हम हाफ डबल क्रोशेट बोलते हैं। जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं पता, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे पिछले वीडियो मैंने समझाया पूरा हाफ डबल क्रोशेट क्या है। ये 3 का 1 मैजिक रिंग में हमने सारे हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक वॉच करना। और जिन्होंने मेरे 300 सब्सक्राइब कंप्लीट करने में सपोर्ट किए, उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये हमारे टोटल 15 हाफ डबल क्रोशेट होंगे। यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करके हमने यहाँ पे 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद जिसमें जहाँ से हमने 3 चेन बनाई है उसी स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशेट टुगेदर बना लेंगे। ये हमारे चेन को बीच में मिला के हमारे 3 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमने एक को स्किप करना है, 1 चेन लेके नेक्स्ट स्टिच में हमने इसे 3 डबल क्रोशेट टुगेदर बनाने हैं। इसे 1 चेन लेंगे, फिर 1 को स्किप करके नेक्स्ट में इसे 3 डबल क्रोशेट टुगेदर इन नेक्स्ट स्टिच। 1, 2, 3 डबल क्रोशेट, 1 चेन, फिर नेक्स्ट में हमने फिर से 3 डबल क्रोशेट टुगेदर। और मेरे 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मेरी प्लीज सपोर्ट करना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। ये एक और बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे 1 चेन लेनी और 3 डबल क्रोशेट टुगेदर, ठीक है? वीडियो को ध्यान से देखते रहना, बिना स्किप करके देखोगे आराम से तो ये अच्छे समझ आएगा। ये देखिए हमने ये 3 3 के सेट बना दिए हैं। हमने 1 चेन 3 डबल क्रोशेट टुगेदर, ये हमारे टोटल 8 हैं, ठीक है? टोटल 8 होंगे। अब यहाँ पे हमने सेकंड कलर यूज़ करना है और यहाँ पे भी हमने 3 डबल क्रोशेट टुगेदर इसे बनाना। 3 चेन लेनी है पहले। 3 चेन लेने के बाद हमने ये 3 डबल क्रोशेट टुगेदर यहाँ पे हमने फैन बनाना है। हम यहाँ पे हमारी 2 चेन आएगी और सेम इसी में हमने फिर से 3 डबल क्रोशेट टुगेदर लेने। यहाँ पे हमने फैन बनाना है, 3 डबल क्रोशेट टुगेदर आ जाएंगे हमारे। ये पूरी रो हमारी ऐसे बनेगी 3 डबल क्रोशेट टुगेदर। इससे 1 चेन, फिर नेक्स्ट में हमने यहाँ पे हमने फैन बनाना है। 1, 2, 3 डबल क्रोशेट टुगेदर, 2 चेन, 1, 2, और सेम इसी में फिर से हमने 3 डबल क्रोशेट टुगेदर बनाना है। ये हमारा परफेक्ट कॉर्नर बनता है ऐसे। इसको फैन भी बोल सकते हैं और ये कॉर्नर भी हो गया हमारा परफेक्ट कॉर्नर। फिर से 1 चेन लेके नेक्स्ट में हमारे 3 डबल क्रोशेट टुगेदर लेने, ठीक है? और वीडियो को अंत तक वॉच करना, ध्यान से देखना तो भी अच्छे से समझ आएगा। ये बहुत सिंपल और आसान, सुंदर, इजी, जो भी बोलते हो इजी मेथड से समझाया मैंने। ये हमारा नेक्स्ट, फिर से हमने यहाँ पे कॉर्नर बनाना। ये 1 हमारा, यहाँ पे 2, यहाँ 3, हमने 4 कॉर्नर बनाने हैं। स्क्वायर में बनाएंगे इसको, सेंटर से राउंड है और ये स्क्वायर बनाना है। फिर इसको हमने 2 चेन और फिर से सेम इसमें 3 डबल क्रोशेट टुगेदर ले लेंगे। वन चेन, फिर नेक्स्ट में हमने 3 डबल क्रोशेट टुगेदर,
ये हमारे थ्री कॉर्नर बन गए, और हमने फोर्थ कॉर्नर को बनाना है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बेल आइकन को प्रेस करने से होगा कि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगे वो आपके पास पहले पहुंच जाएंगे। थ्री डबल क्रोशेट टुगेदर, फिर से वन चेन, और नेक्स्ट में हमने फिर से थ्री डबल क्रोशेट टुगेदर। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जब तक कमेंट करके नहीं बताओगे तो अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूँगी मैं, इसलिए कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसे लग रहे मेरी वीडियो। और ये वन चेन लेके हमने यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देना। अभी हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच लेते हुए ये थोड़ा इसके कॉर्नर तक आ जाना है। ये कॉर्नर में आ गए हमने यहाँ पे, और फिर से हमने यहाँ पे फैन बनाना है। फिर से फैन बनाएंगे यहाँ पे, सेम इसी में हमने थ्री डबल क्रोशेट टुगेदर, यहाँ पे स्लिप स्टिच लेके कॉर्नर तक थ्री डबल क्रोशेट टुगेदर, वन एंड थ्री, थ्री डबल क्रोशेट टुगेदर, टू चेन, वन टू, सेम इसी में हमने थ्री डबल क्रोशेट टुगेदर। फिर से वन चेन लेके नेक्स्ट में थ्री डबल क्रोशेट टुगेदर, फिर वन चेन लेके नेक्स्ट में थ्री डबल क्रोशेट टुगेदर, फिर से वन चेन, और ये कॉर्नर बनाना हमने। फिर से यहाँ पे फैन बनाएंगे, ये पूरी रो हमारी सारी ऐसे रिपीट होगी, ध्यान से देखते रहना। ये हमारा यहाँ पे कॉर्नर बन जाएगा। ये हमने सारा बना लेंगे ऐसे, और ये देखिए ऐसे अच्छा लग रहा है। कलर कंट्रास्ट भी बहुत प्यारा लग रहा है, आप जिस मर्जी कंट्रास्ट में बना सकते हो। यहाँ पे भी वन चेन लेके स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अभी हमने यहाँ पे फिर से हमने ग्रीन कलर ज्वाइन करना है यहाँ पे। अभी हमने फोर टाइम निकालना है यहाँ पे, वन टू थ्री फोर, फोर टाइम निकालेंगे इसको। और यहाँ पे वन टू थ्री और फोर टाइम ऐसे करेंगे। और फिर से हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाते हैं, फिर से हमें जाना आगे, वन टू थ्री फोर, ठीक है। आप इसकी जगह फाइव और सिक्स सेवन कितने भी आप रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फोर टाइम्स दिया है, यहाँ पे टू थ्री और फोर, फोर टाइम्स किया मैंने। आप यहाँ पे फाइव सिक्स और सेवन अपनी चॉइस है, कितने भी रख सकते हो। यहाँ पे मैंने फोर टाइम्स करके आपको बताया, ध्यान से देखते रहना। इसे सिंगल क्रोशेट बनाते हुए आगे जाना, इसे बहुत इजी है फ्रेंड्स, इसको ट्राई जरूर करना। जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे आपको समझ नहीं आएगा, अच्छे से नहीं आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा समझ आएगा।
सारा ऐसे बना लेना है, इतना बना लिया मैंने। अब यहाँ पे एक और फिर से बना के दिखा देती हूँ जिसको समझ नहीं आया हुआ, तो यहाँ पे फिर से हमने बनाना है यहाँ से 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और ये 4। अब सिंगल क्रोशेट बनाते हुए आगे जाएंगे आप, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन कर दिए। ये देखिए बन के रेडी हो गया हमारा, बहुत सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। ओके, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।